जय हिंद। एक वीडियो में हम आपको इंडिया चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट था, जो नाकुला और नाथुला के पास जो हुआ था, नाकुला सेक्टर सिक्किम में, वहाँ हम बताए थे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे कि गालवान घाटी में क्या हो रहा है विवाद। तो अभी हम इसमें समझते हैं इंडिया चाइना के बीच में क्या हो रहा है। देखिए, इंडिया एक्चुअली काराकोरम पास तक में वो रोड बनाना चाहता है, जो एरिया दौलत बेग ओल्डी से जाता है। आप अगर मैप में देखना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए इस एरिया को। 1962 में चाइना ने हमारा ये कश्मीर का, टोटल कश्मीर का 10% एरिया कब्जा कर लिया, जिसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। तो वो इस अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर दिया। यहाँ प्योंगयांग जी झील है एक, तो इस झील को भी उसने क्या कर रखा है, कब्जा कर लिया है। अब चाइना ने क्या किया, यहाँ गालवान नदी बहती है, इस नदी के इस पार आकर उसने अस्थाई 4-5 टेंट लगा दिए और नदी के उस पार भी टेंट लगा रखा है। टोटल 80 टेंट लगा रखा है चाइना ने यहाँ पर, और पूरी तैयारी के साथ। अब वो क्या कह रहा है चाइना कि भैया ये एरिया मेरा है। सबसे पहले तो भाई लद्दाख उनका नहीं है। अब जैसे देखिए, चाइना की एक फिंगर पॉलिसी, हम उसमें भी बताए थे, जो माओ जेडांग थे चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि हमने ये जो तिब्बत को कब्जा कर लिया है, आप ये मत समझिए कि हम तिब्बत कब्जा होकर चुप हो जाएंगे। तिब्बत तो केवल हथेली है, अभी इसकी 5 उंगलियाँ बाकी हैं, इसकी शुरुआत लद्दाख से होगी, लद्दाख कब्जा कर लेंगे हम यहाँ पर। लद्दाख को ये बोल रहे थे कब्जा कर लें उंगलियों से। तो लद्दाख की बात करें, और क्या बोलते हैं कि भैया हम नेपाल को भी कब्जा करेंगे, ये उनका है। नेपाल के लोग हमको नहीं कहेंगे कि भैया हम बोल दिए कब्जा करने के लिए, ये माओ जेडांग बोले थे। और क्या बोले थे कि भैया हम सिक्किम को भी कब्जा करेंगे, भूटान को भी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को भी करेंगे। यानी हथेली है क्या चीज़, तिब्बत, और ये अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, और ये पूरा इसकी क्या उंगलियाँ हैं। तो चाइना इसी के लिए बहुत ही हम लोग को भड़काऊ वाला काम कर रहा है, ताकि इंडिया प्रोवोक कर सके। और चूंकि इंडिया अभी किसमें व्यस्त है, पेंडेमिक फैला हुआ है इंडिया में, अभी इंडिया खुद ही लॉक करके बैठा हुआ है और चाइना उबर चुका है कोरोना से, तो इसलिए वो जानबूझकर इस एरिया में घुसना चाह रहा है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि चाइना हम लोग को जानबूझ के उकसा रहा है, उकसावे की राजनीति कर रहा है चाइना। देखिए, अगर हम लोग चाइना से उलझते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमको टू फ्रंट वार करना पड़ जाएगा। टू फ्रंट वार क्या है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। पहला तो ये समझ गए, दौलत बेग ओल्डी क्या था। दौलत बेग ओल्डी एरिया है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है दौलत बेग ओल्डी। तो यहाँ से यहाँ तक एक काराकोरम तक, ये टॉप पोर्शन का नाम है काराकोरम, यहाँ तक में हम लोग एक सड़क बना रहे हैं लोग। इसी सड़क के कुछ हिस्से का शुरुआत हुआ, जिस वजह से चाइना कह रहा है ये सड़क मत बनाइए। क्यों नहीं बनाइए, क्योंकि चाइना हम लोग को घेरना चाहता है। यहाँ से उसने एक सड़क बना रखा है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये सड़क बन जाती है तो हम इस सड़क को आराम से काट सकते हैं, कनेक्टिविटी को काट सकते हैं। और अगर ये इसकी कनेक्टिविटी को हम नहीं काट पाए ना, तो चाइना हमको यहाँ 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 चारों ओर से हमको क्या कर सकता है, घेर सकता है। और ऊपर में तो पूरा का पूरा चाइना ही है, तो हम लोग हर तरफ से घिर सकते हैं, इसलिए हम लोग इस सड़क को बना रहे हैं। तो ये दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम का एरिया ऊपर है लद्दाख के पास। टू फ्रंट वार के बारे में हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पे, तो ये समझ गए रोड झील क्या क्या था। टू फ्रंट वार क्या चीज़ होता है, देखिए ध्यान से। इंडिया को चाइना घेरेगा कैसे, ऐसा हो सकता है टू फ्रंट वार, मतलब दो जगहों से युद्ध, कि पहले चाइना युद्ध कर दे और बाद में पाकिस्तान शामिल हो जाए, दोनों ओर से लड़ाई हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पाकिस्तान युद्ध कर दे और उसके बहाने चाइना चलाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ हमला कर सके। और अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत के लिए बहुत विकट स्थिति आ जाएगी, क्योंकि चाइना इस एरिया से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस एरिया में हर जगह से चाइना क्या होता है, बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से ऊपर के एरिया में, और चाइना पहाड़ी एरिया है वहाँ पे। तो इस एरिया से चाइना आ सकता है और इस फ्रंट से पाकिस्तान। इसमें क्या होगा कि हमारी नेवी भी खुल के नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि नेवी के एक हिस्सा को हमको भेजना पड़ेगा अरब सागर में, और नेवी के एक दूसरे हिस्सा को भेजना पड़ेगा बंगाल की खाड़ी के साइड में। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग भटक सकता है। तो इस कंडीशन में भारत की जो वर्तमान स्थिति है एमुनेशंस की, कि टू फ्रंट वार को हम लोग 30 दिन तक लड़ सकते हैं बेहतरीन ढंग से, और अगर सिंगल फ्रंट पे होता है तो हम 60 दिन तक लड़ सकते हैं। वर्तमान जो हथियार है, जो गोला बारूद है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। हालांकि एक्चुअल आंकड़ा 100% सेना कभी नहीं बताती है, इसमें कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ में खबरें आती हैं हम उसी आधार पर आपको बता रहे हैं। तो ये कंडीशन है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंडिया को भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि पहले जब जो पुराना व्यवस्था दिखेगा, तो सेना में तीनों अलग अलग थे, थल सेना अलग सोचती थी, वायुसेना अलग, नौसेना अलग, और इनके ऊपर एक थे रक्षा मंत्री, जिन्हें बंदूक में गोली लोड करने नहीं आता था।
रक्षा मंत्री तो किसी को बना दिया जाता है, निर्मला सीतारमन थी पहले, अभी राजनाथ सिंह है। तो ये तो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, इनको पूरा फील्ड की जानकारी नहीं होती है। लेकिन अभी क्या बना दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहते हैं CDS। अब जब से CDS का पोस्ट आ गया है, तो CDS के पोस्ट आ जाने से हमको एक फ़ायदा ये हो गया है कि डिफेंस मिनिस्टर के अलावे जो तीनों सेनाओं के ऊपर है, जैसे वर्तमान में बिपिन रावत रिटायर भले हो गए हैं, किससे, थल सेना अध्यक्ष से, वहाँ मनोज मुकुंद आ गए हैं, और उनके स्थान पर जो बिपिन रावत थे वो थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के सुप्रीम कमांडर हो गए हैं अभी। तो वो अपना रणनीति बना रहे हैं कि हमको कैसे घेरना है। तो इसके लिए एक पॉलिसी भी कहा जाता है कि अगर चाइना हमें टू फ्रंट पर घेरे, तो इंडिया को चाइना के जवाब के लिए हमें किसने फ्रंट पे घेरना चाहिए, थ्री फ्रंट पे, क्योंकि इंडिया के 55% हथियार पुराने ज़माने के हो गए हैं। हालांकि इससे घबराइएगा नहीं, पुराने ज़माने के हथियार चले गए हैं, क्योंकि एक कहावत कहा जाता है कि वेपन्स डजंट मैटर, मैटर इज दैट हु इज बिहाइंड द वेपन। हथियार मायने नहीं रखता है, हथियार के पीछे कौन खड़ा है ये मायने रखता है। आप अगर गोरखा भाइयों का युद्ध देखेंगे, तो गोरखा जो सिपाही होते हैं उनका एक हथियार होता है जिसे वो खुखरी कहते हैं, चाकू टाइप का होता है, इतना बड़ा खुखरी, तो हम इमेज में दिखा देंगे आपको खुखरी, वो तो खुखरी से वो लोग बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ते हैं। तो आप देखेंगे खुखरी तो बहुत प्राचीन हथियार है, लेकिन बावजूद वो गोरखाओं का मुख्य हथियार है, बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं वो लोग। तो हमारा हथियार पुराना है तो इससे मैटर नहीं रखता है। अभिनंदन को याद होगा, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, दुनिया का सबसे पुराना जहाज MiG-21, जिसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, MiG-21 से पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जहाज F-22 को मार के गिरा दिया। पाकिस्तानियों ने पूछा कि भाई आप एक बात बताइए, आप ये इतना पुराना जहाज से, इतना दुनिया के सबसे खतरनाक जहाज F-16 जो अमेरिका के वायुसेना का रीढ़ माना जाता है, वो पाकिस्तान को दे रखा था। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि आप इतने पुराने जहाज से, इतने घटिया जहाज से, इतने खतरनाक जहाज को कैसे मार के गिरा दिए। तो अभिनंदन जी ने क्या कहा था कि हथियार खतरनाक हो या ना हो ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उस हथियार को चलाने वाला कितना खतरनाक है। तो ये एक कहीं ना कहीं हम लोग के साथ प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी हमारे पास आर्टिलरी कम है, तो हम समझते हैं चाइना का थ्री फ्रंट क्या है उसके बारे में। देखिए चाइना का थ्री फ्रंट क्या है कि चाइना का 18 देशों से दुश्मनी है। वो मंगोलिया को कहता है कि मेरा है, दक्षिणी कोरिया से द्वीप को लेकर विवाद है, जापान से विवाद है, ताइवान से विवाद है, इससे वियतनाम से विवाद है, साउथ ईस्ट एशियन देशों से विवाद है, किर्गिस्तान से विवाद है, इधर इंडिया से विवाद चल रहा है, भैया सबसे विवाद है उनका, नेपाल से भी विवाद है। नेपाल के लोग भी याद करिए आप गोरखा भाई कि माउंट एवरेस्ट को चाइना कह रहा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट वे मेरा है। अरे भाई चाइना माउंट एवरेस्ट से नेपाल को अच्छी खासी इनकम होती है, जो भी वहाँ पे चढ़ने जाता है वो फीस देता है उसके लिए। तो ये चाइना का बहुत विवाद है। तो इंडिया को चाहिए कि चाइना को थ्री फ्रंट पर घेरना चाहिए। सबसे पहले जापान और वियतनाम और इंडिया, ये तीन फ्रंट पर अगर घेर लेते हैं तो बहुत ही काम करेगा। देखिए कैसे, तो अभी की लड़ाई में मेन भूमिका निभाएगी एयरफोर्स। एयरफोर्स जो होती है ना लड़ाई में बढ़त हासिल करती है, वही जीत डिसाइड करती है, और जमीन कब्जा करने का काम थल सेना करती है, और एयरफोर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, मारते हुए आगे बढ़ जाती है। तो अगर हम इन तीनों के एयरफोर्स को मिला दें, तो अगर पहले हम लोग चाइना के एयरफोर्स पे नज़र डालते हैं, चाइना का जो एयरफोर्स है उसमें 1500 एक्टिव जहाजें हैं, लड़ाकू जहाजें 1500 हैं। देख के नंबर घबराइएगा नहीं, 1500 में से ना 800 जहाजें एकदम पुरानी पड़ गई हैं, ओल्ड डेटेड है, थर्ड जनरेशन की, और 700 जहाजें हैं उनकी कारगर। लेकिन फिर भी इससे मत घबराइएगा। क्यों नहीं घबराइएगा, देखिए क्यों नहीं घबराना चाहिए। पहला कि जब चाइना के एयरफोर्स को कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप देखेंगे चाइना के एयरफोर्स को लड़ाई लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, भले वो प्रैक्टिस खूब किए हैं, आप कितनों प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा आपकी आपकी असली मतलब जानकारी का पता नहीं चलेगा। तो चाइना के साथ एक ये निगेटिव पॉइंट, कोई बहुत बड़ा का युद्ध नहीं लड़ा। हम लोग आज़ाद हुए थे तुरंत 48 में युद्ध लड़ लिए, 62 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, 84 में लड़े, 99 में लड़े। हम लोग युद्ध लड़ते लड़ते ना ढिठा गए हैं, इतना ना ढिठा गए हैं कि MiG-21 जैसे पुरान जहाज से, F-16 जैसे जहाज को अभिनंदन जी ने दौड़ा के मार दिया वहाँ पे, वो भी पाकिस्तान में घुस के मार दिया। तो एक ये चाइना के साथ नेगेटिव है। दूसरा, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से देखिएगा चाइना का, तो ये चाइना है, चाइना का ये एरिया तिब्बत है,
तिब्बत के पास दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत, इतना हाइट है इसका, 5 किलोमीटर हाइट है, 5000 मीटर इसकी हाइट है। इतने हाइट पर पहले तो ये ज़मीन ही है, तो आपको जहाज़ तो और हाइट पे ले जाना पड़ेगा। तो हाइट की वजह से चाइना की एयरफोर्स जब इधर से आएगी तो बहुत ज़्यादा हथियार ले आके नहीं आ पाएगी, इसलिए वो इंडिया पर ज़्यादा हथियार नहीं गिरा पाएगी। लेकिन जो चाइनीज सोल्जर यहाँ लड़ रहे होंगे इंडिया के बॉर्डर के पास, तो इंडिया में इधर से तो कोई खास पहाड़ वगैरह नहीं है, वो आराम से इन पर बम गिरा सकती है। अतः एमुनेशन ड्रॉप करने की क्षमता इंडियन एयरफोर्स के पास ज़्यादा है, क्योंकि इधर से पहाड़ वगैरह नहीं है, हम इनके सैनिकों पे ज़्यादा बम गिरा सकते हैं। तो एक दो ये हमारे साथ प्लस पॉइंट है और ये चाइना का निगेटिव है। अब हम समझते हैं आगे जापान वगैरह को कैसे मिला सकते हैं। देखिए सॉरी, जापान का स्पेलिंग गलती हो गया, आप उतना समझ जाइएगा, बाई मिस्टेक लिखा गया। जापान के पास 300 एकदम सुपर स्पेशलिस्ट लड़ाकू जहाज हैं, वियतनाम के पास 75 है, इंडिया के पास 350 फोर्थ जनरेशन के हैं, 500 पुराने हैं। लेकिन हम कैसे कहते कि हमारे जहाज पुराने हैं भाई? MiG-21 जिसे अब दुनिया में कोई उड़ाना नहीं चाहता है, MiG-21 को वीडो मेकर कहते हैं, वीडो मेकर यानी जो इसमें बैठेगा उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, मतलब समझ रहे, उड़ता हुआ ताबूत है। और इस जहाज से हम लोगों ने मार के गिरा दिया पाकिस्तान का F-16 जहाज, तो ये इंडिया का है। अगर हम इनको मिला देते हैं तो ये चारों ओर से चाइना घिर जाएगा। आप अगर नक्शा में देखिएगा ध्यान से, तो इसको देखिए ध्यान से नक्शा में, हम समझाते हैं आपको। इंडिया के ऊपर ये हो गया आपका चाइना, तो चाइना के पास भले आर्मी बड़ी है लेकिन उसके पास विवाद बहुत ज़्यादा है, वो चारों ओर उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से सेना हटा देगा या ताइवान से भी उलझा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर जापान को साथ ले लेते हैं तो चूंकि जापान से उसका हमेशा विवाद है, और वियतनाम जब कहिए तो मार करने के लिए उतावला रहता है। वियतनाम अमेरिका और रूस दोनों को अकेले हरा चुका है एक समय युद्ध में, जिसे हम वियतनाम युद्ध कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से वियतनाम को ले लेते हैं तो अब देखिए चाइना कितने फ्रंट पे घिर जाएगा, 3 फ्रंट पे, यहाँ से और यहाँ से। और अगर हम जापान को अपने साथ ले लेते हैं तो फिर जापान की मदद करने के लिए अमेरिका जरूर आएगा, क्योंकि जापान और अमेरिका में समझौता है कि जापान पर कोई भी हमला करेगा तो उसको बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की ही है। समझ में आया? ये 3 फ्रंट। और भारत का तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में भी एयरफोर्स का एक अड्डा है। हम अगर इधर से भी अगर हम लोग फायर खोल देते हैं तो चाइना जो है वो 4 फ्रंट पर घिर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में मतलब एक तरफा युद्ध होगा 1962 वाला। 1962 में हमारे पास एटम बम नहीं था, लेकिन अभी एटम बम है। अगर बहुत ही ज़्यादा इंडिया पर अत्याचार होगा तो हम तो डूबे सन हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले हैं कि भैया ना आप भी लड़िए ना हम लड़े, किस लिए भाई, हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहें, सह अस्तित्व में ही फायदा है, नहीं तो दोनों को घाटा है। अब हम 1962 वाली स्थिति में नहीं रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि इंडिया का 2 फ्रंट क्या है और चाइना का 3 फ्रंट क्या है, और ये गालवान घाटी में विवाद क्यों हो रहा है। इस लद्दाख में चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया को बड़ा थासी लो, क्योंकि उसका ये जो सड़क का सपना है CPEC ये बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।